आज मैं ना आगे का व्लॉग कंटिन्यू न्यू कर नहीं पाई थी, क्योंकि भाई मैंने रामनगर तक करा था, बट उसके बाद मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आगे चल के बैटरी ख़त्म हो गई थी ये सबके फ़ोनों की। और उसके बाद बहुत तेज़ बारिश भी हो गई थी, जैसे मैं पटौदी आई बहुत तेज़ बारिश हुई थी कल, जबकि मौसम साफ था। तो अभी सुबह हो चुकी है और मैं अभी अभी जस्ट ब्रश कर कर अभी आई हूँ, और ना ना लोग मीटिंग के लिए जा रहे हैं और नानी खाने की तैयारी कर रही है। वैसे तो यहाँ का कुछ व्यू है, वहाँ मीटिंग कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो। अभी थोड़ी देर बाद मैं नहाने जाऊँगी, अभी थोड़ा बाहर घूमते हैं। सो गाइस, मैं अभी थोड़ा अभी अभी उठी हूँ, चार मतलब मैं ना 2 बजे सो गई थी और अब 6 बजे उठी हूँ। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा मतलब थक जाती हूँ, मैं जब सफ़र करके आती हूँ तो अभी 2-3 दिन तो मैं यूँ ही रहूँगी डेड एनर्जी, और मेरा गला बैठ रखा है जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा होगा। वास्तव में तो मैं बहुत तेज चिल्लाती हूँ, सच बताओ मेरा गला कल से बैठ रखा है बस। और अभी नाना और तो बाहर पूजा है, जैसे मैंने बताया था तो वहाँ काम चल रहा है, तो वो वहाँ जा रखे हैं और बाहर नानी और बातें कर रहे हैं गांव के लेडीज़ के साथ। तो उनकी बातें तो नहीं सुनाने वाली मैं भाई, उनकी सीक्रेट बातें रिवील नहीं कर सकती ना हम सबको। और अभी नाना वहाँ जा रखे हैं काम करवाने, तो हम भी थोड़ी देर में वहाँ चलेंगे। और अभी मैंने बताया थोड़ा सा, मैं आपको तब तक व्यू दिखा देती हूँ क्योंकि घटा छा रखी है, मौसम अच्छा हो रहा है इस टाइम ना, तेज़ हवा चल रही है, मेरठ से सच में बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। कसम से शहर का और पहाड़ का कंपेरिजन सच में नहीं हो सकता। पंखा वगैरह बंद कर लेते वही, चलो चलते बाहर। और यहाँ ना ये कपड़े रखे थे अभी धोने के लिए, तो नानी जस्ट अभी कपड़े लाई है, और वहाँ मेरी शेडो दिख रही होगी आप लोगों को। गाइस नाना और वहाँ जा रखे हैं, दिख रहे हैं वहाँ नाना बैठ रखे हैं, बड़े नाना उधर बैठ रखे हो रहे। और नानी ने ना उधर मर्च बूत रखे हैं, वहाँ पे उधर ना वो दिख रहा है वहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, वो मर्च बूत रखे हैं नानी ने। वाला आम का पेड़ है बड़ा वाला, बहुत सारे आम लगे हैं इसके अंदर, अभी पके नहीं है, कच्चे आम भी है। वाला व्यू छत का व्यू है और बहुत ही प्यारा व्यू आता है छत से। नानी छन्नी में जा रही है और हम जा रहे हैं बाहर। कहाँ जा रहे हैं हम नानी? तो गाइस गांव में जब भी किसी के घर में कोई भी काम होता है, शादी हो या जागर हो, तो सब मिलजुल के काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया साथ में खाना बना रहे थे, तो ये आदत ही है। और अब उसके बाद वहाँ पे जाकर लगेंगे उधर मामा के घर पे, तो तब हम तब जाएंगे। अभी मैं थोड़ा घर पे आ रखी हूँ, देख सकते हो आप 10 बज चुके हैं ऑलरेडी, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ टीवी देख लूँ, पर फिर मैं क्या देखना, बाद में ही देख लूँगी कल। अभी हम वहाँ जाएँगे वापस, थोड़ा सा थोड़ी देर आ रखा है घर में, खाना खा लिया है हम लोगों ने, वो क्लिप भी आप देख ही लेना। और फिर हम जागर सुनने जाएंगे, और उस चीज़ के बारे में मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो में बताऊंगी, अभी टाइम नहीं है इतना।
सो गाइस, अभी हम जाकर से आ गए थे एंड 2:30 हो रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ सोने। भाई बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही है। एंड मैं ये ब्लॉग ना यहीं ख़त्म करती हूँ। मुझे नहीं लगता मैं कल सेकेंड डे ब्लॉग शूट करने की हालत में बिल्कुल भी रहने वाली हूँ, तो इसलिए सॉरी पहले ही बोल रही हूँ। क्योंकि मेरे को पता है मैं ब्लॉग शूट नहीं करने वाली कल, पता नहीं कितने बजे उठूँगी मैं, तो इसलिए अब आपको सीधा ब्लॉग जो देखने को मिलेगा वो थर्ड डे का मिलेगा। क्योंकि मेरी तभी हालत थोड़ी ठीक हो पाएगी भाई, बहुत तेज एक तो नींद आ रही है, ऊपर से ना हवा भी चल रही है, तो इसलिए ठीक है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ 2:35 पे। आप लोग अपना ध्यान रखो, स्वास्थ्य पानी बढ़िया रखो। बाय, टेक केयर।